रिसेंटली आपकी कार्डियो टेप साहब जिसमें आप और बात कर रहे हैं और इस बातचीत पे साथियों के लिए लगते हैं भोंकने वाले कुत्ते पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे? वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई? उसने उसको क्यों ऑन एयर किया? पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने जाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की? वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूंगा। जी सर, ये बताइएगा कि इसी ऑडियो टेप के ऊपर जो है आप इसके ऊपर लीगली एक्शन लेने जा रहे हैं? जो धोनी और ताकत की आप बात कर रहे थे, धोनी और ताकत तो आप ही अपने दौर में इस्तेमाल करती रही है, तो क्या एक तो इसका जवाब दे रही है और दूसरा लीगली एक्शन लेने जा रही है मुद्दे से आपकी जो ऑडियो टेप चाहिए? उसका भी वक्त आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये बताइएगा क्या लोग आपसे बहुत ज्यादा है के बार बार, और आपने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आपके पास भी वीडियोस हैं, वो क्या लाइन है साहब? मैंने तो किसी की कोई टेप नहीं, मैंने किसी की कोई टेप नहीं की। वो नहीं, लेकिन वो मैंने नहीं की भाई, वो तो चीजें आ जाती हैं सामने, कुदरत का अपना तरीका है लेके आने का। लेकिन आप उन टेप्स को मेरी टेप्स के साथ, उसका तो मवाजना बनता ही नहीं है। मेरी जाती गुफ्तगु है किसी के साथ, उसमें कोई किसी के खिलाफ साजिश नहीं है, किसी के खिलाफ कुछ वो नहीं है, तो एक तो उनका मुआवजा नहीं बनता। और दूसरी बात ये कि ये चीजें मैं ये मेरे करने से नहीं हुई, ये उधर से आई है सब। बस आखिरी जी मैंने, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि जो अयाज सादिक साहब ने, क्या बात की है और किसकी तरफ उनका इशारा था, मैं नहीं जानती। जब तक मैं उनसे ना पूछ लूं मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो उन्होंने जवाब दे दिया। और मैं आपको एक बात बता दूं और, कि डील की जरूरत उन लोगों को होती है जिनकी अवाम के अंदर जड़े नहीं होती और जो डील की तरफ देख रहे होते हैं। जैसे इमरान खान ने 2018 के इलेक्शन से पहले जो भी किया वो सबके सामने है। जब आप सारे बाय इलेक्शंस उठा के देख लें, आप अवाम का सेंटिमेंट उठा के देख लें, सब जब नून लीग के हक में है अल्हम्दुलिल्लाह। नून लीग की आज याद सबको आ रही है, नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की याद सबको आ रही है और लोग उनको ये आवाज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने मुल्क को 2013 में ठीक किया था अल्लाह ताला के फजलो करम से, इस महंगाई से, इस लाकानूनियत से, इस नालायकी और नाअहली से निजात पाने के लिए लोग अब दोबारा नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं, तो हमें किसी डील की जरूरत नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज चाहती है, एक चीज, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि अल्लाह ताला के बाद हमें पाकिस्तान की अवाम पे भरोसा है।